जैसा कि दोस्तों मैं आपको आज लेके जा रहा हूँ आज देवी भरदारिणी माता, जो कि हमारा पूरा रन रहेगा बरोड से लेके देवी भरदारिणी लोहाड़ी तक। हम देवी भरदारिणी जा रहे हैं, तो पहले जो रहेगा हमारा बरोड से लोहाड़ी भाई कैब है भाई, गाड़ी से हम लोग आए हैं और यहाँ से पैदल ट्रैक है अराउंड 5 से 6 किलोमीटर वन साइड का। तो ये जो ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं हमें वहाँ जाना है और मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये जो गांव है ये छेरना गांव है, मैं इस गांव से होते हुए निकलना है मंजिल की ओर। बाकी जो व्यू है बहुत ही खास, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ बैकग्राउंड सारा फंक्शन चिंदी हुआ है, नहीं पहुँच सकते। यहाँ से सारी चढ़ाई स्टार्ट है माता के मंदिर तक, देवी भरदारिणी माता मंदिर तक। तो अभी हमने छेरना गांव पूरा क्रॉस कर लिया है और अभी स्टार्ट हैं चढ़ाई के लिए। मिलते हैं और कुछ सैनिक व्यूज के साथ। दिनों के बाद आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, अराउंड मेरे को 1 महीना हो गया है ब्लॉग अपलोड किए हुए। तो कुछ कारण थे, कुछ परिस्थितियाँ नहीं बन रही थी ब्लॉग शूट करने की, कुछ हालत ठीक नहीं थी। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग पे निकला हूँ आज और देवी भरदारिणी माता जा रहे हैं हम लोग, मैं और मेरा कज़न दोस्त है। तो हम दोनों जा रहे हैं, मॉर्निंग में 5 बजे हम घर से निकले थे रोड से, तो लोहाड़ी तक गाड़ी में और गाड़ी वहाँ पार्क करके हमने ट्रैक स्टार्ट किया अपने देवी भरदारिणी माता के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों की एक ही मदद चाहता हूँ कि सब्सक्राइबर 1K करने हैं मुझे जल्दी से जल्दी, और आप लोगों का साथ चाहिए। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ट्रैवल विद रमन। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, मिलते हैं कुछ सिनेमैटिक व्यूज़ के साथ। पहाड़ों की ऊंचाइयों में जब पहुंचते हैं तो काफ़ी सुकून मिलता है, काफ़ी शांति मिलती है। और आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है ऊंचाइयों से, बहुत मज़ा आ रहा है। कहते हैं कि इस माता का जो सत है, मतलब दिल से जो इनकी पूजा आराधना करता है, तो बने बिगड़े काम पूरे होते हैं और माता उन सब कामों को संपूर्ण करती है। हमारे भी कुछ ऐसे काम हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारे भी कुछ काम माता के वहाँ पे आगे पूरे हों। तो अभी और ट्रैक है, अभी चलना बाकी है, मैं मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा आपको। मंजिल अब दूर नहीं है, माता का मंदिर 100 मीटर दूर जो ये बंच सा दिख रहा है ट्रीज का,
इन्हीं की जड़ों पे है। बस पहुंचने ही वाले हैं हम लोग, तो जोर से बोलो जय माता दी। नज़ारा देख रहे हैं आप पहाड़ों का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। फाइनली हम लोग माता के दरबार पहुंच के दर्शन कर लिए हैं। वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे मौसम, व्यू और मंदिर काफ़ी अच्छा। तो अब हम थोड़ी देर में यहाँ से वापस निकल रहे हैं बरोड की ओर। चलो ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं। तो देवी प्रधानी माता का मंदिर का जो ट्रैक था वो तो ख़त्म हो गया ट्रैक अभी, और हम छेरना गांव में पहुंचने वाले हैं। और छेरना भी गाड़ी पार्क करी हुई हमने, बस अभी हम छेरना गांव से होते हुए निकलेंगे पार्किंग के लिए। काफ़ी मज़ेदार रहा ट्रिप, तो काफ़ी शांति और सुकून मिला, तसल्ली मिली माता के मंदिर में। Thank you.